हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ एक प्रतिलिपि ऐप की जो नॉवल है उसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये जो नॉवल्स हैं ये बाकी सारी नॉवल्स से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो मैं और नॉवल्स आप लोगों को बताती हूँ मोस्टली क्या होती है, उनकी कैटेगरी ऐसी होती है कि उसमें रोमांस, एक्शन और थ्रिल ज़्यादातर होता है। बट इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें रोमांस की तो थोड़ी बहुत काफ़ी कमी ही है। ठीक है, कमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी है उस हिसाब से तो चीज़ें हैं ही हैं। तो थोड़ी सी हॉरर या फिर थ्रिल सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी है। ठीक है, मुझे पहले तो मैंने ऐसा कुछ गेस ही नहीं किया था कि इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है। बट चलो कोई बात नहीं, आप लोग रीड करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी पूरी अगर आप लोग इस पूरी वीडियो जो पूरी वीडियो है उसको देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से इसकी जो कहानी है वो है। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है उसका नाम है लव विद यू, और ये प्रतिलिपि ऐप की नॉवल है, और इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 21। जो इसकी ऑथर हैं उनका नाम है साक्षी, यानी कि सिक्कू। और जो स्टोरी है वो आप लोग, स्टोरी की जो लेंथ है यानी ड्यूरेशन है 1 घंटे 53 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 53 मिनट्स। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसका नाम है ओस्मी, और जो इनके अपोजिट होंगे वो हैं लक्ष्य महाराणा। और ओस्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है उनका नाम है सारा। ठीक है, तो कहानी के डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इतना ज़्यादा कुछ खास आप लोगों को शायद समझ में ना आए, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कहानी में क्या है। ठीक है, कहानी में थोड़ा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यानी कि जो ओस्मी है उनकी जो मौसी है, आई गेस मौसी या फिर चाची, उनके साथ वो रहती हैं। ठीक है, और उनके एक उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी उन्हीं के घर में रहती है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई है नहीं है, तो इसलिए वो भी उनके साथ ही रहती हैं। और बिल्कुल उनको भी जो ओस्मी की मॉम है वो अपनी बेटी की तरह ही रखती हैं। ठीक है, तो और वो जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और जो ओस्मी है वो कुछ इस तरीके का कैरेक्टर है काफ़ी, ये दोनों ना बहुत ये कह लो कि एडवेंचर टाइप्स ना, कि इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद है, ये अपनी मर्जी से जीना जो है वो चाहती हैं। अब कहानी की बात की जाए, यानी कि जो मेल कैरेक्टर है उनकी बात की जाए, यानी जो लक्ष्य हैं यार, उनकी जो मिस्ट्री है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि किसी को नहीं पता कि हकीकत में वो दिखते कैसे हैं, वो कौन है, वो दुनिया के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी जिस तरीके से सीधी सीधी चल रही थी ना, उसके बाद वो अलग ही मोड़ पर चली गई। ठीक है, मैंने गेस नहीं किया था कि इसमें ना कुछ ऐसा होगा कि पिछले जन्म वाला होगा, बट यहाँ पर ऐसा सीन है, और ये राजा महाराजा टाइप्स वाली कहानी आ गई आगे चल के, कि भाई पिछले जन्म में वो दोनों साथ में थे और राजा महाराजा थे किसी रियायत के, हैं राजा रानी थे, और उनकी वो जो दुनिया है ना वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, यानी ये कह लो कि वो आधे इंसान और आधे शैतान। ठीक है, जो लक्ष्य है वो, और जो हमारी हीरोइन है वो भी उनको वो बाद में क्या बना देते हैं, आधा इंसान और आधी वो परी। ठीक है, यही है कि एक ये कह लो डेविल और एक एंजल की कहानी, वहाँ पर ऐसा ही सीन होता है, और यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है उसमें जो है उनको सच्चाई पता चलती है कि भाई क्या वो कौन है, उनकी रियल आइडेंटिटी जो है वो क्या है, और फिर जो लक्ष्य है वो उनको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है, मुझे तो पहले तो ऐसा लगा था बीच में कि ना यार लगता है ऐसा कि ना ये तो लगता है कोई वैम्पायर होंगे, हाँ, बट ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जो रिचुअल्स निभाए गए और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो शादी की गई, उनकी ताकत, हाँ, यानी कि उसके अंदर जो पावर्स थी उनका शो ऑफ करना, यानी दिखाना उनको अच्छे से, कुछ ही इस तरीके की ना ये कह लो कि क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनेशन वाली कुछ ऐसी कहानी ही है। और एक चीज़ और थी इसमें ना काफ़ी अजीब थी, जो लक्ष्य के फादर है उनका क्या रोल था, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज कर गई कि भाई जिस तरीके से दिखाई गई चीज़ें वो पार्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ। ये तो समझ में आ गया कि चलो लक्ष्य का क्या राज था, और उनको जो अपनी एंजल है वो मिल गई और इसे वो अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ पर रहते हैं, बट जो उसमें है वो अपनी फैमिली से भी मिलना चाहती है, और क्योंकि उनकी फैमिली को तो लगता है कि वो किडनैप हो गई, बट वो पूरे शहर में उन्हें ढूंढते हैं, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती हैं। जो उसमें है वो चाहती हैं कि वो महीने में 1 या 2 बार तो एटलीस्ट अपनी फैमिली से मिलने जाती ही रहें। ठीक है, और फिर जो सारा है यानी जो उनकी फ्रेंड है, उनके साथ भी क्या चीज़ें हैं वो भी तो मैटर करती है ना, तो इसमें दोनों की कहानी दिखाई जाती है। सारा को भी बाद में ऐसा है कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो मिल जाता है जिसे वो पसंद करती थी, बट इसके पीछे भी क्या मिस्ट्री है, इसके पीछे भी एक ये कह लो कि कहानी ही है, क्योंकि जिसे वो पसंद करती थी वो उसे कह भी नहीं सकती थी। अब इस चीज़ में ऐसा क्या था, उसके लिए तो आप लोगों को स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को एक फैंटेसी वाली, हाँ मुझे वर्ड याद आया एग्जैक्ट वर्ड ना, कि हाँ ये एक फैंटेसी वाली स्टोरी कह लो, परियों वाली, और फिर
तो अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी ये कह सकती हूँ मैं कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई, बट स्टोरी ऐसी है कि ज़्यादा लंबी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को रीड करने में। तो एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार रीड करके आप लोग देखो और फिर अपने ओपिनियन जो है ना स्टोरी को लेकर वो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। ठीक है, मुझे ऐसी लगी कि एक बार रीड करने लायक है। ठीक है, ये नहीं कह रही कि आप लोगों को बार बार या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, नहीं। बट ये पिछले जन्म वाली कहानियाँ थोड़ी अजीब भी होती हैं, और ऊपर से इसमें भी ये जुड़ जाए कि वो राजा रानी है, वो भी अलग ही तरीके की, कि वो तो डेविल है, वो एक शैतान है, और दूसरी तरफ आप जो है वो एक परी है। तो ये इस तरीके की है। और अगर बात की जाए लक्ष्य की, तो और चीज़ भी क्या थी कि वो एक इसी तरीके के मतलब पर्सनालिटी दिखाई गई थी कि स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन भी है और साथ में कैसी पर्सनालिटी है कि उनका पूरे शहर में दबदबा है, जो वो कहते हैं वो ही होता है। ठीक है, तो पर उस हिसाब से यार इतनी ज़्यादा बॉडीगार्ड नहीं दिखाए गए। बट चलो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी यार उनके पास तो इतनी सारी पावर्स है, तो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। और आप लोगों को स्टोरी में ये भी, अगर आप लोग स्टोरी रीड करोगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे जो है वो दोनों मिलते हैं, किस तरीके से जो उनकी शादी है वो होती है, और फिर वो कैसे उनको लेके जाते हैं, क्या फैमिली कंडीशंस होती हैं। ये सब आप लोगों को जो स्टोरी को रीड करने के बाद ही जो है पता चलेगा। तो स्टोरी अच्छी थी, एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके जो है इसे रीड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, आप लोगों को कोई पे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, बट अब आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो स्टोरी है वो फ्री में अवेलेबल है, आप लोग जाके इसे रीड कर लीजिएगा। फिर आके मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, प्लस मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें, मुझे आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रही है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.